गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए आज का सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत से लोग पेमेंट करते हैं फ़ोन पे तो बैलेंस ऑटोमेटिक किसी का बैंक बैलेंस में चला जाता है, किसी के नंबर पर सेंड हो जाता है, तो उस पेमेंट को हम वापस कैसे ले लेंगे या मेरे अकाउंट में वापस कैसे आ जाएगा 2 से 4 दिन में। चलिए आपको डिस्प्ले के ऊपर हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा स्टेटमेंट बारा बारी से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ से हमको गूगल खोल लेना है। गूगल ऑन करेंगे, गूगल ऑन करने के बाद हमको यहाँ पे लिखना है NPCI, ठीक है। लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और जो आपका यह नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या करना आपको है कि यहाँ पे देखिए आपको इस तरह का ट्रांजैक्शन आपको दिखा रहा है। बहुत सा लोग के जो अभी लाइव ट्रांजेक्शन है 572 रुपया, मेम्बर आपको 871, ये सब सारा ट्रांजेक्शन अभी अभी सब शुरू हो रहा है ना। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जाएँगे, यहाँ कोना में क्लिक करेंगे और यहाँ पे UPI से हम कंप्लेन करेंगे। UPI के पास कंप्लेन करने के बाद इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्या ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन में आपको गड़बड़ी हुआ, तो आप यहाँ ट्रांजैक्शन पर क्या कीजिएगा, प्लस आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अब इस फॉर्म को सारा आप फिलअप कर लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। जो अब अभी इशू आपका है यहाँ पर कॉमेंट में लिख दीजिएगा और लास्ट पूरा फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो आपका स्क्रीन शॉट रहेगा, जो पेमेंट कहीं किसी के अकाउंट में चला गया उस अकाउंट को यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा फाइल को और सबमिट कीजिएगा। इस तरह ऐसे सबमिट करने के बाद आपको 2 से 3-4 दिन में आपका बैलेंस जो होगा अकाउंट में आपको वापस आ जाएगा। तो इस तरह के वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।